में देख पा रहे होंगे इस रोड में इतनी चहल पहल, वजह सीधी और साफ है। यहाँ पर जो भी दुकानों के बाहर जिस तरीके से शेड निकाल लगाए गए थे उनको हटाने का निर्णय आज प्रशासन ने किया, जिला प्रशासन ने निर्णय किया है। रीवा कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर ने यहाँ का दौरा किया, उसके बाद इस जगह को हटाने का यहाँ पर निर्णय लिया। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी हैं, मैं उन्हीं से बात करूँगा आखिर ये पूरा मामला क्या क्या किस तरीके से आपको कहा गया है। हमें हटाने के लिए पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी, आज प्रातः सुबह कलेक्टर साहब और नगर निगम कमिश्नर यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने वार्निंग दी है कि शाम तक आप ये हटा लें जो भी अतिक्रमण है, नहीं तो हम जेसीबी से गिरवा देंगे। क्या नाम है आपका? अमित थारवानी। अमित जी एक बड़ा सवाल ये, इसके आपका जैसे कहना है कि पहले भी कभी कोई नहीं कहा गया किसी को हटाने के लिए, लॉकडाउन का दौर है आपको हटाने के लिए कहा गया, तो क्या आप अपनी इच्छा से हटा रहे हैं और आपने ये क्यों कर रखा था? अतिक्रमण सारी दुकानों को अतिक्रमण नहीं है, लेकिन कुछ कुछ दुकानों का जो अतिक्रमण निकला वो उसकी वजह से सारी पूरी मार्केट चपेट में है, क्योंकि मंडी का जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर निकलने की जगह बिल्कुल भी नहीं होती है, सामने वालों का अतिक्रमण बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पीछे स्थिति इतनी गंभीर है कि एक व्यक्ति दो व्यक्ति भी पैदल नहीं निकल पाता है, उस वजह से शायद प्रशासन ने कड़ाई की हुई है। सर जिस तरीके से पीछे कुछ सकरी गलियां थी वहां लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, उसका खामियाजा यहां के तमाम व्यापारी भोगने के लिए तैयार है, बताइए। प्रशासन ने व्यापारियों को समय देता, अवगत करा देता तो कम से कम स्वतः व्यापारी लोग अपने से सहयोग कर रहे हैं नगर निगम का, और अतिक्रमण या कुछ भी शेड वगैरह है उसको हटा रहे हैं, परंतु इस कोरोना काल में लेबर नहीं मिल रहा, मिस्त्री नहीं मिल रहा है, तो इसकी परेशानियां हो रही हैं, जिसका कि बहुत ही व्यापारियों में आक्रोश है। बताइए सर, हम लोगों को होम डिलीवरी के लिए 8 से 12 बजे तक की छूट दी गई थी, उस समय कोई भी अतिक्रमण का मामला नहीं है। जैसे ही हम लोग दुकान बंद करके घर पहुंचे और चारों तरफ से फ़ोन आया कि अतिक्रमण से बुलडोजर मंडी में घुसा हुआ है और दुकानें गिरा रहा है। सर हम लोगों को इस कोरोना काल में एक दो दिन का समय देना चाहिए था, या पहले इन्फॉर्म करना चाहिए कि आप अतिक्रमण, हम लोग स्वाभाविक है 100% गलत हैं सर, लेकिन हम लोगों को समय ज़रूर देना चाहिए एक दो दिन का कि आप इस शटर के अंदर हो जाएं या बाहर हो जाएं। सर हम लोगों को एक भी समय दिया नहीं गया, हम लोग कोरोना काल में व्यापारी बहुत ही दयनीय स्थिति है, काफ़ी परेशान है। कोरोना काल में व्यापारी बहुत परेशान है, हर तरफ से व्यापारी की क्षति है, उसके बाद अचानक लोग ने कर दिया कि तोड़फोड़ चालू कर दिया। सर अतिक्रमण की अगर बात करेंगे तो अतिक्रमण रीवा में कहां पर नहीं है, मैं माननीय कमिश्नर महोदय से पूछना चाहता हूं, और कोरोना काल में व्यक्ति को एक दूसरे से दूर रहने का सलाह दी जा रही है और आप स्वयं बिना बताए बुलडोजर घुसेड़ के सब्जी मंडी में दुकानों में तोड़फोड़ करना ये उचित नहीं है। व्यापारियों का साफ तौर से कहना है अगर हमें समय मिलता तो हम हटा लेते, 12 बजे तक का समय था, 12 बजे तक दुकानें खुली थी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई, हमें वक्त मिलना चाहिए था, हो सकता हम गलत भी हो सकते हैं, हो सकता हम सही भी हों, लेकिन इस कोरोना काल में हमें वक्त चाहिए था जो प्रशासन ने नहीं हमको दिया, शायद व्यापारियों का आक्रोश इसी को लेकर ज्यादा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।